एवरीवन, लास्ट लेक्चर तक बेटा हम पढ़ चुके थे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. इन टुडेज लेक्चर वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फिजियोलॉजी ऑफ आर कार्डियक सिस्टम. दैट मींस हाउ डज आवर हार्ट रियली वर्क. वेल, हमें पता है कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके ब्लड को कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, राइट? सो इसके थ्रू कुछ इम्पल्सिस का कंडक्शन जरूरी है ताकि मस्क्यूलेचर जो है, हार्ट का जो मसल सिस्टम है या जो मसल्स की वॉल है, उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो, जिसे हम कहते हैं हार्ट कंडक्शन. वेल, ये जो हार्ट कंडक्शन है बेटा, इसमें मदद करता है खुद हार्ट के अंदर प्रेजेंट मसल्स का जो सिस्टम है वो खुद करेगा. और वहां पर इन मसल्स से नोड्स बनी हुई होती हैं, जिसे हम नोडल मस्क्यूलेचर या नोडल सिस्टम कह सकते हैं, राइट? सो हार्ट कंडक्शन इज बाय नोडल मस्क्यूलेचर. और इसी वजह से हम ह्यूमन हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट. वैसे मैं टाइप्स ऑफ हार्ट में इसे भी पढ़ा सकती थी. मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है वो हार्ट जहां पर इंपल्सेस मसल्स से ओरिजिनेट होते हैं, ना कि ब्रेन या नर्वस सिस्टम से, राइट? सो मायोजेनिक हार्ट इज वेयर इंपल्स कंडक्शन इज बाय मसल्स, राइट? वही चीज और लिख लेते हैं बेटा. इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, न्यूरोजेनिक हार्ट इज प्रेजेंट. दैट इज वेयर न्यूरो मीन्स नर्व्स, राइट? सो इंपल्सेस आर कंडक्टेड बाय So impulses are conducted by nervous system. Is that clear, beta? तो उसे कहा गया myogenic heart. Is that clear till this part? So यहां पर जो conduction है वो किसने कराया? We have written it. नोडल मस्क्यूलेचर कराता है, यानी यहां पर स्पेशलाइज्ड नोड्स बनी हुई होंगी जो कि मसल्स की ही बनी होती है. कार्डियक मसल्स का ही मॉडिफिकेशन होता है. चाहो तो इसको यहां लिख भी सकते हैं. दैट मींस नोड्स फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ कार्डियक मसल्स. इज दैट क्लियर? यहां तक किसी समझ में आ रही है बेटा? सो जो ह्यूमन है, इनमें हार्ट का कंडक्शन सिस्टम इन्हीं नोड्स से मिलकर के बना है. कौन कौन सी हैं ये नोड्स? इनको पढ़ाने के लिए अगेन आई विल टेक हेल्प ऑफ अ डायग्राम दैट मेक्स इट इजी, राइट? सो वही सिंपल सा हार्ट बना ले एक बार. सो लेट्स मेक इट हियर. That's the simpler version of heart. अब तक तो बेटा आप सबको आ जाना चाहिए कि simpler version of heart कैसा होता है. Right? इतनी habit हो जानी चाहिए कि अब आपको board की तरफ देखने की या इस screen की तरफ देखने की requirement ना पड़े. जैसे किसी ने बोला heart, तो at least ये structure तो आप बना ही लें. Right, so this is what human heart looks like. तो बात करें नोड्स की बेटा. जो प्राइमरी नोड है जो कि इंपल्स का कंडक्शन शुरू कराती है, दैट इज हियर. अब आप बोलोगे मैम आपने तो यहां पर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग दिखाई थी. तो दिखाई थी बिल्कुल बेटा. सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास ही ये नोड प्रेजेंट होती है. इस नोड को कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट नोड कॉल्ड
साइनो एट्रियल या एस ए नोड, राइट? ये नोड है क्या बेटा? दिस अ प्राइमरी नोड या वो नोड जिससे इंपल्स का कंडक्शन शुरू हुआ, राइट? सो पहले सबसे पहले लोकेशन से शुरू करते हैं. प्रेजेंट नियर एसवीसी ओपनिंग इन द राइट एट्रियम, राइट बेटा? आर ए का मतलब यहां पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, राइट एट्रियम है, राइट? नेक्स्ट थिंग, ये बेटा ऑटो एक्साइटेटरी है, यानी खुद एक्साइट हो जाएगी बाहर से इंपल्स की, किसी इनिशियल जो थ्रेशहोल्ड इंपल्स है उसकी रिक्वायरमेंट इसे नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ यहां पर जो सोडियम कंसंट्रेशन है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज रियली रियली हाई, तो वो अपने आप मूवमेंट करेंगे और यहां पर कंडक्शन शुरू हो जाता है, राइट? सो दैट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग. ऑटो एक्साइटेटरी होने की वजह से ही इसे कहा जाता है, यही कह सकते हो कि भाई यहां से शुरू हुआ इंपल्स, राइट? सो इट इनिशिएट्स कंडक्शन और इसी वजह से इसे कहा जाता है पेस मेकर, राइट? सो इट्स कॉल्ड पेस मेकर ऑफ आर हार्ट. ये बहुत जरूरी चीज है इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. इट्स कॉल्ड पेस मेकर. बेटा यहां पर जो कंडक्शन है, जो इंपल्स का रेट है, इंपल्स का रेट वेरी करता है फ्रॉम 70 टू 100 इन अ मिनट, राइट? एंड यहां पर जो इंपल्स की स्पीड या वेलोसिटी होती है दैट इज अराउंड 0.1 मीटर इन अ सेकेंड टाइम, राइट? एक सेकेंड के अंदर 0.1 मीटर. इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? सो दैट वॉज अबाउट द वेरी फर्स्ट नोड, यानी वो नोड जिसने इंपल्स का कंडक्शन शुरू कराया था, जिसे हम कहते हैं एसए नोड. इज दैट क्लियर बेटा? अब इस एसए नोड से जो इंपल्सेस हैं वो ट्रांसमिट किए जाएंगे पूरे के पूरे एट्रियम में, राइट? और यहीं से होते हुए ये पहुंच जाएंगे टू द नेक्स्ट नोड. ये रही नेक्स्ट नोड, तो इसके पास तक ये इंपल्सेस पहुंच गए. एज यू कैन सी, ये कहां पर है बेटा? एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर प्रेजेंट है या एवी वाल्व के पास प्रेजेंट है. सो इसी वजह से इस नोड को नाम भी ऐसा ही दिया गया. इसे कहते हैं हम एट्रियो वेंट्रिक्युलर या एवी नोड. इज दैट क्लियर? सो ये एवी नोड है कहां पर? इट इज प्रेजेंट नियर एवी सेप्टम, राइट? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में प्रेजेंट है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आर ए. राइट एट्रियम का ये लेफ्ट साइड है और एवी सेप्टम के बहुत ही क्लोज है ये. इज दैट क्लियर? इसलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा गया. इसकी स्पेशियलिटी क्या है बेटा? ये भी खुद ऑटो एक्साइटेटरी है. ये कंडक्ट करेगा इंपल्स को फर्दर नेक्स्ट कहां होगा बेटा? दैट पार्ट इज कॉल्ड बंडल.
ऑफ हिस इस नाम के नोड के पास में या नोडल मस्क्यूलेचर के पास में ये फर्दर कंडक्ट कर देगा इंपल्स को, राइट यहां पर इंपल्स का रेट रिलेटिवली स्लो होता है, दैट इज अराउंड 60 पर मिनट, बीपीएम भी बोल सकते हैं, बीट्स पर मिनट, राइट। और यहां पर जो इंपल्स की वेलोसिटी है दैट्स सेम, दैट्स अराउंड 0.1 मीटर्स इन अ 0.1 मीटर इन अ सेकेंड्स टाइम। इज दैट क्लियर? यहां तक ये चीज समझ में आ रही है बेटा? अब कुछ जरूरी चीजें बेटा, इस एवी नोड को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पेसमेकर, ऑटो एक्साइटेटरी है ना। तो अगर मान लो किसी कारण अगर ऐसे नोड खराब हो गई तो एवी नोड वर्क को टेक ओवर कर लेगी, बस प्रॉब्लम ये रहेगी कि ऊपर वाला पार्ट यानी जो एट्रियम में कंडक्शन होना था वो यहां पर नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? सो इट्स कॉल्ड सेकेंडरी पेसमेकर और पेस सेटर। बेटा पेस सेटर तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि जो पेस को सेट कर रहा है, पेसमेकर ने शुरू किया और इसने उसको फर्दर सेट किया, पर सेकेंडरी पेसमेकर इसे क्यों बोला गया? ये जो वर्ड, ये जो टर्म दी गई सेकेंडरी पेसमेकर, ये इसलिए दी गई मैंने जैसा बताया कि अगर ऐसे नोड खराब हुआ तो ये टेक ओवर कर लेगा, राइट। सो इसलिए इसे कहा गया सेकेंडरी पेसमेकर। सो एज इट टेक्स ओवर इन केस ऐसे नोड स्टॉप्स फंक्शनिंग, राइट बेटा? ये क्लियर हो गया? सो देयर वाज अबाउट द एवी नोड। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, अगर एवी नोड टेक ओवर करती है ऐसे नोड के फंक्शन को, यानी अब अगर आपका जो नॉर्मल पेसमेकर है इफ इट इज नॉन फंक्शनल और उसकी जगह अगर ये सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शनल है, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जो हार्ट का रेट है, जो कंडक्शन रेट है वो स्लो रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर जो इंपल्स कंडक्शन रेट है वो काफी स्लो है इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी वन, सो हार्ट रेट भी उतना ही स्लो डाउन कर जाएगा, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फर्दर नोड्स। यहां से इंपल्स कंडक्ट हुआ इनटू द बंडल ऑफ हिज, ये रहे बेटा मसल बंडल्स जो कि वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, और फर्दर ये मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा अदरवाइज फिर आई कैन नॉट draw it properly. सेप्टम में थोड़ा सा बड़ा दिखा देती हूं ताकि मैं इजिली इसको ड्रॉ कर सकू बंडल ऑफ हिस्स को भी, राइट right, इनफैक्ट इसको भी मैं थोड़ा सा चौड़ा कर देती हूं, राइट किड्स, दैट विल मेक इट इजी। तो ये पहुंचा इनटू द बंडल ऑफ हिज, बेटा बंडल ऑफ हिज अब दो वेंट्रिकल्स हैं, दोनों में इंपल्स को कंडक्ट करना है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। राइट वाला आगे जाकर के पूरे राइट वेंट्रिकल में सप्लाई देगा बाय डिवाइडिंग इनटू ब्रांचेस, एंड लेफ्ट वन डू दैट डू द सेम थिंग विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। सो पहले बात कर ले इस बंडल ऑफ हिज की, बिकॉज ये वो है जो कि वेंट्रिकल्स में एवी नोड से सप्लाई को लेकर के जा रहा है, राइट। सो वी हैव गॉट टू ऑफ द फाइबर्स हियर। मैं दोनों को पहले सिर्फ लेबल कर देती हूं, उनको बाद में एक साथ समझा रही हूं आपको। दैट्स द फर्स्ट वन एंड दैट्स द अदर वन। Is that clear?
थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू राइट. सो जो सीधा एवी नोड से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा बेटा? दैट इज दी थर्ड वन, दी थर्ड पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम. इट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस, राइट. और वहीं पर जो बाकी फाइबर्स दिख रहे हैं बेटा, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पुरखिंजे फाइबर्स. इज दैट क्लियर? मैं डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं सो दैट आई कैन राइट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. टॉकिंग अबाउट द बंडल ऑफ हिज, ये वो है जो कि प्रेजेंट है इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इट डिवाइड्स इन राइट एंड लेफ्ट बंडल, और ये सप्लाई देगा टू द नेक्स्ट वन दैट इज पुरखिंजे फाइबर्स, राइट. यहां पर इंपल्स का रेट और स्लो हो गया, दैट इज अराउंड 30 टू 40 पर मिनट. बट इंपल्स कंडक्शन की जो वेलोसिटी, जो स्पीड है, दैट इंक्रीजेस अ बिट, दैट इज अराउंड 1 meter इन अ सेकेंड्स टाइम, राइट. यानी यहां पर आते आते अब इंपल्स तेजी से जाएगा, दो जो पहुंचने वाला इंपल्स है वो काफी हद तक डाई आउट कर चुका है, कम पहुंच रहा है, पर जो पहुंच रहा है वो तेजी से वेंट्रिकल्स में भेजा जा रहा है ताकि वेंट्रिकल्स को वो मैसेज मिले, वहां की मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके. नाउ टॉकिंग अबाउट द पुरखिंजे फाइबर्स, दीज आर ब्रांच्ड फाइबर्स, और ये सप्लाई करते हैं, दीज सप्लाई और कंडक्ट इंपल्स टू वेंट्रिकल्स, राइट. और यहां पर इंपल्स का रेट सबसे स्लो, इंपल्स के कंडक्शन का रेट जो है बहुत स्लो है, दैट इज अराउंड 10 टू 15 इन अ मिनट, बट स्पीड बहुत ही तेज है. कंडक्शन वेलोसिटी की बात करें तो ये सबसे तेज, दैट इज 4 meters इन अ सेकेंड्स टाइम, राइट. तो इस तरीके से इंपल्सेस कहां से ओरिजिनेट हुए? दे स्टार्टेड फ्रॉम एसए नोड, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, एंड बंडल ऑफ हिज से पुरखिंजे फाइबर्स में इंपल्सेस को कंडक्ट करा दिया गया. वेल बेटा, इन्हीं कंडक्टेड इंपल्सेस पर ही डिपेंड करता है हमारे हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. यानी जितनी बार इंपल्स कंडक्ट हुआ उतनी बार ही हार्ट बीट करेगा, राइट. सो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको हमेशा ध्यान रखोगे बेटा. दिस इंपल्स कंडक्शन कॉजेज हार्ट टू बीट इन अ रिदमिक मैनर, राइट. इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्ट में जो कंडक्शन रेट है, जैसे नोड से ओरिजिनेट हुआ, दैट इज इक्विवेलेंट टू द हार्ट रेट. अब कोई पूछे मुझसे कि हार्ट रेट क्या होता है जी, एक नई टर्म आ गई अब तो. हार्ट रेट का मतलब होता है
हार्ट बीट्स पर मिनट, इसे हम बीपीएम भी बोल सकते हैं, बीट्स पर मिनट। इज दैट क्लियर बेटा? वेल, हमारा हार्ट रेट होता कितना है? अभी मैंने बोला कि एस नोड में कंडक्शन कितना है, अराउंड 70 to 100, तो डेफिनेटली उतना ही हमारा हार्ट रेट होना चाहिए, राइट? सो व्हाट इज आवर हार्ट रेट? हार्ट रेट इन केस ऑफ एडल्ट बेटा ये उतना ही होगा जितना कि एस नोड में कंडक्शन, दैट इज अराउंड 70 to 75 beats per minute। मैंने ऊपर एस ए नोट जब आपको पढ़ाई है तो वहां पे मैंने लिखा है 70 to 100, राइट? व्हेन यू आर इन टू मेडिसिन, वहां पर जो कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें यही वैल्यू दी है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर भी इसको यही कर देते हैं, यही वैल्यू डाल देते हैं इसकी, इसे कर देते हैं 72 75 per minute, राइट? तो जितनी बार पेसमेकर ने एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराया वही हमारा हार्ट रेट होगा, यानी हमारा पूरा हार्ट भी उतनी बार ही उस इंपल्स को कंडक्ट करेगा, उतनी बार ही रिदमिकली बीट करेगा। सो देयर वाज एन एडल्ट, मैंने स्पेशल मेंशन दिया एडल्ट को, दैट मींस ये हार्ट रेट हमारे जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रहेगा। इन केस ऑफ न्यू बॉर्न यही हार्ट रेट 100 to 140 beats per minute होता है, इनफैक्ट 100 to 120 आई कैन राइट, इट्स बेटर दैट वी राइट 100 to 140 की जगह पर 120 BPM। और फीटस में ये और भी ज्यादा होता है, फीटस में इट इज अराउंड 120 to 160 beats per minute, राइट? ये वैल्यूज बेटा वेरिएबल हैं, सिर्फ एडल्ट की वैल्यू आपको याद रखनी है, जहां पर 70 to 75 beats per minute है, ऑन एन एवरेज 72 beats per minute है हमारा हार्ट रेट। वेल, जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे बॉडी का साइज अगर हम देखें डिक्रीज कर रहा है, वी सी दैट आर हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग। इफ यू रिमेम्बर, ये लॉ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, इन केस ऑफ मैमल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज। तो जिसका साइज जितना छोटा वो उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिक रेट प्रेजेंट करेगा, और इसी वजह से जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी रेट हो, एवरीथिंग इज गोना बी हायर, राइट? इज दैट क्लियर? सो वेल, That was about the heart rate. बेटा हार्ट रेट वेरी कर सकता है, कई बार हार्ट रेट डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। अगर हार्ट रेट कर रहा है डिक्रीज तो वी कॉल इट ब्रेडी कार्डिया, राइट? दैट इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। वहीं पर अगर ये इंक्रीज करे तो इसे हम बोलते हैं तेज चलने वाला या टैकी कार्डिया, राइट? सो व्हाट इज टैकी कार्डिया? दैट इज फास्ट हार्ट, दैट मीन्स इंक्रीज इन दी हार्ट रेट, राइट? व्हाट आर द कॉजेस? टैकी कार्डिया के कॉजेस बेटा आप चाहो तो आसानी से सोच सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू थिंक अबाउट इट। कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं? अगर आप अभी अभी एक्सरसाइज करके आए हो तो हार्ट रेट तेज हो जाएगा, दौड़ लगाई है तो। आपको तेज बुखार है, राइट? और भी कई रीजन हो सकते हैं, एंग्जाइटी, बहुत टेंशन हो रखी है, जस्ट आफ्टर फूड, राइट? वहीं पर ब्रैडीकार्डिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। सबसे पहला जैसे यहाँ फीवर है, फीवर की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने पर यानी हाइपोथर्मिया में उल्टा ही होगा।
खाना ना खाओ। देखा होगा ना कई बार प्रेयर, जो स्कूल प्रेयर्स होती है स्पेशली, उसमें कई बार कई बच्चे चक्कर खा के गिरने लगते हैं। रीजन, कई बार वो नाश्ता करके नहीं आते, उनकी बॉडी में ग्लूकोज की भी कमी होने लगती है। सो इफ दे डू नॉट हैव फूड प्रॉपरली देयर हार्ट रेट डिक्रीजेस, राइट? सो द नेक्स्ट कॉज इज प्रोलॉन्ग्ड हंगर। इज दैट क्लियर? जनरल आइडिया मैंने आपको दिया बेटा। डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो बी द कॉज, देयर कुड बी मेनी हार्ट डिजीजेस विच कैन कॉज द सेम। सो देयर वाज अ जनरल आइडिया अबाउट द ब्रेडी एंड द टेकिकार्डिया। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? सो विद दिस वी आर डन विद द हार्ट कंडक्शन। एक बार जल्दी से देखना चाहो तो आप देख सकते हो बेटा हार्ट कंडक्शन कहाँ पे हुआ था। हार्ट कंडक्शन वॉज बिकॉज ऑफ द नोडल मस्क्यूलेचर, दैट मीन्स स्पेशलाइज मसल सिस्टम ऑफ अ हार्ट, जिसकी शुरुआत होती है ऐसे नोड से या साइनो एट्रियल नोड से। ये नोड प्रेजेंट है हमारे एसवीसी के पास में, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास में। ऑटो एक्साइटेटरी है क्योंकि सोडियम कंसंट्रेशन इसकी हाई है। इसको पेस मेकर भी कहते हैं हम। इंपल्स रेट इसका 70 to 75 per minute है। यहां से इंपल्सेस पूरे एट्रिया में फैलेंगे और उसी के जरिए ये एवी नोड के पास, एवी वेल्व के पास या एवी सेप्टम के पास प्रेजेंट एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचेंगे, जिसे हम एवी नोड भी कहते हैं। ये भी अगेन ऑटो एक्साइटेटरी है, यानी अगर साइनोएट्रियल नोड खराब हुई तो ये टेक ओवर कर सकती है और इसी वजह से इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पेस मेकर। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में ये पेस सेटर की तरह काम करेगी, यानी जो मैसेज ऊपर से आया उस मैसेज को फर्दर कंडक्ट करेगी। यहां पर इंपल्स रेट रिलेटिवली स्लो होता है, दैट इज अराउंड 60 per minute, और इसी वजह से अगर ऐसे नोड खराब है तो हार्ट रिदमिकली बीट तो करेगा बट रिलेटिवली स्लो। यहां से मैसेज पहुंचाया कहां गया, टू दी बंडल ऑफ हिल्स, जो कि इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। डिवाइड करते हैं इंटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और इंपल्स रेट और भी स्लो। तो अगर एवी नोड भी खराब हो गई तो हार्ट रेट और डिक्रीज कर जाएगा एंड पर्सन के डेथ के चांसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। इसी वजह से नोड्स का खराब होना या बंडल ब्लॉक होना या नोड ब्लॉक हो जाना, हार्ट ब्लॉक बोलते हैं इसे, अगर हार्ट ब्लॉक कहीं पर भी हुआ तो उस कंडक्शन उस कंडीशन में चांसेस ऑफ दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जो लाइफ की लॉन्जिटिविटी है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। लाइफ का जो पीरियड है वो डिक्रीज कर सकता है और इसी वजह से इस प्रॉब्लम को, हार्ट ब्लॉक्स को तुरंत ठीक करने की कोशिश की जाती है। फ्रॉम बंडल ऑफ हिल्स द इंपल्स रीचेस इनटू द पुर्किंजे फाइबर्स विच आर ब्रांच्ड फाइबर्स, और ये सप्लाई करते हैं टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स में कंडक्शन कराएंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। वंस दिस इंपल्स इज गॉन दे मूव बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड दे रिलैक्स। बट यहां पर सबसे जरूरी चीज है वो है इंपल्स वेलोसिटी, यहां पर सबसे तेज है। इज दैट क्लियर? जितनी बार भी इंपल्स कंडक्ट हुआ उतनी बार ही हमारा हार्ट बीट करेगा एंड दैट इज नोन एज आर हार्ट रेट। इज दैट क्लियर? विद दिस वी आर डन विद द हार्ट कंडक्शन।